इंदौर में प्रियंका गांधी के रोड शो तय होने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस प्रियंका का दाव मालवा में चल रही है और उसका उसे चुनाव में लाभ स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी मालवा में पहली बार आ रही हैं और जिस तरह से इंदौर में उनका रोड शो रखा जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस प्रियंका के कार्ड को भुनाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। कुल मिलाकर इंदौर के साथ ही आसपास के शहरों में भी प्रियंका गांधी जाने वाली हैं। मसलन वे रतलाम भी जाएंगी जहां पर उनके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा इंदौर में उनका जो रोड शो हो रहा है उसका भी फायदा कांग्रेस के खाते में मिलने की संभावना है। प्रियंका गांधी को इंदौर के लोग पहली बार इतनी नजदीकी से देखेंगे और इसका कांग्रेस को निश्चित रूप से लाभ होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि 13 मई को वे इंदौर आएंगी, शाम को 2 घंटे उनका रोड शो होगा। इससे पहले वे उज्जैन और रतलाम जाएंगी। ये कार्यक्रम पहले से तय थे लेकिन इंदौर का रोड शो अभी शामिल किया गया है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे प्रियंका गांधी इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। यहां से उज्जैन रवाना होकर महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद रतलाम जाएंगी। शाम 4:30 बजे इंदौर में रोड शो करेंगी। इसके लिए जवाहर मार्ग को चुना गया है। राजमहल्ला से संजय सेतु तक प्रियंका को खुली जीप में ले जाया जाएगा। कांग्रेस द्वारा प्रशासन से अनुमति के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के इस रोड शो ने कांग्रेस को एक नई ताकत दे दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।